अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मैं हूं आपकी होस्ट मायरा खान और इस टेंशन भरे दौर में आपके लिए लेकर आई हूं एंटी टेंशन शो यानी शब्दे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आज की एंटी टेंशन डोज। इस कथा इंतजार वो शहकार आ गया। जी हाँ बाजी, हैकर आ गया, हैकर आ गया। अकाउंट हैक करा लो, वेबसाइट हैक करा लो। बारिश हो रही है, झूठ ना बोली मैंने। फोन वड्डा जा गड़ा आके तेरे ते डिग नहीं। हाथ करो ए ए लेकिन पाकिस्तानियों के स्वैग का लेवल ही कुछ और है बॉस। पिछले दिनों एक शरारती काके ने साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी का ट्विटर अकाउंट हैक करके मौलाना फजल रहमान की वफात की खबर ट्वीट कर दी। तौबा दा मुकाम है भाई। ओए कौन लोग हो तुसी हैं? जो भी लोग हो, आपको दिखाते हैं आज का पहला सेगमेंट। आइए फिर एक बार मैं दस दे कि मोबाइल देना किथे ते क्यों क्यों चोरियां करना है? क्यों चोरियां करना है सर जी? पहले क्यों चोर क्यों करने चोरियां? हां सबल दिया बच्चा मारो इन्हें, ये मुंह दे उते मार, मैं तेरे ना मुंह दे उते मारो इधर। तेनू पता नहीं मां ने मेरे लिए काना जमया सी। मोबाइल कितने मोबाइल हो? 10 मिनट फोन तेन नजर आंदा मैं छोड़ो कुत्ते रोको नी बया। हाँ जी ये सू पै गए ना तेरे तो भी माड़िया अखा हो जाए साड़िया तेन सच नो ज्यादा कुत्ते घबराए। नीफे जी चोई साहब मार जो फुटबाल ही खेड दे तेन छोटे बाल के इधर लिया सारी जिंदगी चोई साहब फुटबाल ही खेड़ मार नु किका। चल भाई चल आखरी दफा पूछन लगी सही सही ईमानदारी ने दस दे साडे अफसर का एक बड़ा महंगा मोबाइल गवाचा है। अच्छा जी सानू शक तेरे ते क्योंकि इलाका तेरा है। सर जी इलाके तो की मुराद, मैं चोर हाँ कि डीसी हो? हल्के हल्के तू पंड पुणा कर रहे ठीक है और मैं तेन इतने पालिया लम्बिया तो मैं तेरे पंड पुणे तो छित्र मार नहीं। मैं दस साहब ये तुसी काम नहीं करना, इतने दंद मैं भन्ना गा। बोल तो नहीं सर बोल तो रहे हैं। यार उन्होंने पूछ दिया नहीं पाया सारी तफशीश अगे पीछे कर देना तू। मैंने लगे मेरा जिक्र होया। आफ्ताब साहब हाँ जी मैनू कुत्ते नाल बनवा दियो, मैं इन्हों नाल नहीं रहना। तफशीश कर बह के करिया करो जी जो साहब भाई मां। मैं उन्होंने तो बाद हर काम तेरी इजाजत ना करना। मेरा डीआईजी भी तू है, मेरा प्यो भी तू है, मेरा हर रिश्ता तेरे नाल मंसूब। मुबारक होवे प्रमोशन हो गई तेरी। अच्छा प्राउड नहीं होया? उन्हें समझ नहीं आ रही। अजे भी समझ नहीं आई मेरा मतलब, अजे मैं होर पैनी होएगी यार। फाड़ी यार अच्छा बात सुनो, इसको एक इतनी बड़ी लाठी क्यों दे रखी है तुम? ओ जनाब डीपीओ साहब ने गन इसके लिए मना की थी है, ये चला देता है। नहीं मैंने एक बार सुलह चला दी थी। पैसे कितने तेरी जेब च है? अच्छा ऐसा 300 रुपया है। ओ यार फिर वही गल नीवे जी जी या तो तू बहुत ईमानदार है तो ये बहुत ही बड़ी खच है। कितने पैसे तेरे को? दसा दे 300 है। ओ लाख ला देता है। ओए देखो ईमानदारी में दस कितने पैसे तेरे को? आप देख लो आप देख लो।
आप देख लो चंगी पदी मुलजम की तफशीश होंगी है कई बार इन्हें अपने परचा करा लिया वालदा का की ना है वो मैं नहीं दसना अलागा कड़े तेरा चनियोट लख लानत है तेरे ते अब मैं मुलजम को पूछ रही है यार तू ही ना उसके कान च पूछो ये सामने पूछो ही ना ये तो तफशीश नहीं कर देनी मैं तेन आखिरी कह रहा मैं सही दस दे बड़ा तेरा बहुत बुरा मूह है तेरा ओ सर जी मैनू तो तुहाडी समझ नहीं आती ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਂਡੋ ਹੈ ਭਾਂਡੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਫੜ ਫੜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਪਾਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਨੀਫ ਤੇ ਅੱਛਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੰਗ ਰਿਹਾ ਖਬਰ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਕੇ ਹੱਥੋਂ नको नक आई पड़ी है कहीं जा नहीं सकते किसी को बुला नहीं सकते बाहर का कुछ ला नहीं सकते अंदरों कुछ ले जा नहीं सकते बाहरों कुछ खान ले मंगवा नहीं सकते मेरी गल सुनो तीसरी वालों जरा मैनू ए दसो इन्हां बेचारे दी जमानत कदों होएगी है खैर इसी के साथ आपको दिखाती हूँ आज का अगला सेगमेंट आज आवाज कुछ बदली लगती मैनू हाय मैं मर गई मैं गोलियां मार दूंगा वो इसलिए कि दिन को राज फरंगी का और रात को राज मलंगी का मलंगी डाकू तुम्हारे घर में आ गया है तो मुबारक हो मैं डाकू लेके आया आया लाड़िए तेरा गन्ना वाला डकू कर आया ते टिकटी नाल ले आया लाड़िए नी तेरा गन्ना वाला डकू कर बताओ रंधावा कौन है तू गोली मार के देख ला जिद चो छटांक खून निकलेगा और रंधावा होएगा नहीं इसको गोली मारी खून निकला तो पूरा मोहल्ला डूब जाएगा इसका मतलब ये है रंधावा जिन्हें सेरी इंज बने जिम्मे बांदरी छिले च बैठी प्योदा की ना पुत डाकू याद कर रहे हैं जो मर्जी लिख लो चाचा डाकुओं का कोई बाप नहीं होता अब मेरा ही नाम लिख लो जी फिर डाकू भी अपने असासे लगांदे ने असासे भी लगांदे ने ते अपने आसे पासे भी लगांदे ने मैनू ते लगदे ने हवाई फायरिंग च जम्मिया मैं ते नजरां च डेपे हां जी खड़ो कभी डाकू देखे नहीं हौसला रखो हौसला अगर जे डाकू हवाई फायरिंग से हुआ है तेरे वरी दफे वड्डी तो हो भी चली होनी है चाचा जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰੀ ਛੋਟੇ ਚਿੜ ਚਿੜ ਚੱਲੇ ਹੋਣ ਚਿੜ 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 ਡਾਕੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਓ ਮੁਝੇ ਰੰਧਾਵਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਚਿੜੀ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਗਾਨੋ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਰਾ ਬਤਾਓ ਬਈ हम से पैसे ले लिए हमारे बंदे थाने से फरार करवाने के और अभी तक तुमने नहीं करवाए क्या 70,000 रुपया दिया जी मैंने इनको अच्छा। इन्होंने कहा जी आपके बंदे जो थाने में आएंगे उस पे पर्चा नहीं होगा वहीं से मैं फरार करवा दूंगा अच्छा। तो अभी तक नहीं कराए मेरिया दोनों बावा आई है जनाब उनके बगैर मैं डाका नहीं मार सकता कहीं असी तो दो बारी हवालात खोली है जी लत टूटी उस बंदे की निकल ही नहीं सके यार 35 रुपए रिक्शे दे विच पा लो तुसी बंदे नु उच बिठा दियो तू एडा सरदार तो विसाखियां ला देनी है विसाखियां मैं हुण थाने च लै लवां मैं चनियोट लगा भी आपे बना के लै सच तेरे प्यो दा मुलाजम नहीं उहनां नु इत्थे बिठा के छड के आवे ओ यार गली दा चक्कर लावे 250-300 इकट्ठा होएगा कि नहीं मिलजुल कर काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा ना लेकिन बाद एक याद रखना 70,000 रुपया मैंने दिया उससे 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा 600 रुपया से जरूर लेना जेड़ा साडे सिपाही दी जेब चों कढ़े जा इहने कढ़िया आ तुहाडे मुलजम ने मैं उहदी तलाशी लवांगा जे निकल आए तो वापस दे दे जे खर्च गया फिर मेरी जिम्मेदारी अभी अच्छी भी डाकुआं नूं होर बचदा की है तुसीं इस कारोबार नूं सौखा समझदे हो पता जिला वतनी कटनी पैंदी इस काम लई तुसीं इजी लिया होंदा डाकुआं दा दुख सुणदा कौन ਆ ਪੁੱਤ ਡਾਕੂ ਮੇਰੀ ਹਾਕੀ ਚਾਚਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਸਿਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੇ
तवील ड्यूटी या फिर जहनी थकान। पिछले दिनों पीआई के अमले ने टेक ऑफ से पहले ही जहाज की इमरजेंसी स्लाइड्स खोल दिए हैं। व्हाट? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये स्लाइड्स यानी सीढ़ी हंगामी सूरत हाल में मुसाफिरों को जाईवाज मतलब हवाई जहाज से निकालने के लिए यूज होती है। वैसे शुक्र करें इसने जहाज कच्चे ते नहीं ला देता। वैसे ना पायलट को चाहिए था कि उस बंदे ने स्लाइड्स तो खोल ही दी थी, उसे ये कहता कि पाई खुल गया ने हूं तू तो कार जा। लेकिन आप इधर आ जाए, आप सेगमेंट देखें। इस कथा इंतजार वो शहकार आ गया। जी हाँ बाजी, हैकर आ गया, हैकर आ गया। अकाउंट हैक करा लो, वेबसाइटा हैक करा लो। हैकिंग तो करता है सारा जमाना, हैकर है क्या नहीं कोई जाना। ऑडियो वीडियो लीक करा लो। जिंदगी है क्या, नजर का धोखा है। खुफिया डिवाइस कैमरे फिट करा लो। खून काला टेप करा लो। करो काम का कह के दफ्तर जाने वाले खावन ट्रैक करा लो। नामालूम काला ट्रेस करा लो। चक्करबाज गर्लफ्रेंडा दे पोल खुला लो। फेरी वाले भाई, ये खुफिया डिवाइस कितने की है? जैमर के साथ 2 लाख रुपए की। और जैमर के बगैर? 200 रुपए की। आप ऐसे करें कि मुझे ना ये 200 रुपए वाली दे दे। बोनी तो हो गई यार, ले भी काकी की याद करेगी। काम तो करेगी ना आपकी डिवाइस। लो, तैनू पता मैं जैमर वैसे मियां शबाज शरीफ नु बेचे है। भाई दे दे, बड़ी जरूरत है दी। ये तुसी ये डिवाइस फड़ो अपनी, ए हेलो हैं, ये तो नजर ही नहीं आ रही। तो खुफिया डिवाइस है, नजर कितों आनी है? अच्छा हाँ ध्यान ना लेके जाना, टूट जाएगी, वापस नहीं होनी है। वक्त सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं कठिन, एक ब्रेक पर आने से पहले, एक ब्रेक पर जाने के बाद। समझ तो गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी किसी ने सोचा है क्रिकेट मैच के दौरान छक्का लगते ही उसकी पैमाइश कैसे नजर आ जाती है? 1988 में पहली बार IBM कंपनी ने पहला सिक्सर नापा था। अब ये काम स्पोर्ट्स विजन नामी कंपनी ने नाप लिया है। बस एक बात बताऊं, एडी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं हैगी। उन्होंने स्टेडियम की सारी पैमाइश करके रखी होती है, 2-2 एक्स्ट्रा कैमरे भी लगाए होते हैं, और छक्का लगने की सूरत में उन्हें पता होता है कि कौन सी सीढ़ी विकेट से कितनी दूर है। उन्हें भी पता है कि हमारा अगला सेगमेंट आपसे कितनी दूर है, इतनी सी दूर है। आए देखें। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा नवाज शरीफ का नाम रहेगा। कटा नवाज शरीफ का नाम रहेगा, कितो रहेगा? इमरान खान का नाम रहेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। लानती मेरे को खाना नहीं, हमें बकवास ना कर। तुसी पागल दे पुत्र ते नहीं है? गल समझिया करो यार। आई आई पीटी आई या नहीं इन्हां नूं? ओ अन्ना हो गया है तू? अन्ना हो गया लानती है, मजलूम लग रही, बुखार चढ़िया बाजी। पुटो साडा आवे आवे, पुटो साडा आवे आवे। कोई मेरे हाथ आ जाए तेन दसा पुटो आवे या नहीं? यार तेनू की मसला है? तमीज कर, तमीज। मैं सिविल सोसाइटी हां। तू सिविल सोसाइटी हां? फिर असि मेरे ख्याल सोसाइटी दे विच बज गया। आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। क्यों जी? जब आएगा इमरान होवेगा नुकसान बनेगा फिर पाकिस्तान। ये मसला है लानती है, मतलब हो जा के चबड़ा गया। नवाज लीग ने किया जो भी हथ पे है, नवाज लीग दे पे है। आफ्ताब साहब, अगर एहतसाब ना हुआ तो ये मुल्क नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि एहतसाब का रास्ता रोका जाए, अल्लाह ना करे कि इस मुल्क को कुछ हो। वैसे एहतसाब अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। सारे इन्हों भी 5 साल देने चाहिए। ओए ऐ मेरा दिक्कत नहीं देता।
सर असं जो सड़क से आ गए ना फिर किसी की मजाल नहीं ना पहले की ना दूसरे की ना तीसरे की चलो चंडी हो इतो चंडी हो निकलो तू चलो तेन कितने प्यार में कह रहे हैं तू क्यों नहीं तेन समझ आती की तेरा दिमाग तो खराब नहीं है उठ जा निकल जाओ इतो बस उठे कर गए तेरा इलाज होने वाला उधर समझ नहीं आ रही तेन है हुण बोलती बंद हो गई है अब्बा जी आ गए ने ना मैं तो मियां साहब की तस्वीर वड्डी कराना आया सी सोशल मीडिया पर पीपीपी रहनुमा शाज़ी अमरी का एक बयान सारे फिल्म के तोते उड़ा रहा है। मैडम फरमाती हैं कि उनके इल्म में एक बात आई है कि हैकर्स सैलाब मुतासरीन की रकम हैक कर रहे हैं। ओए तौबा हैकर्स दे पावे फरिश्तियां नु पता ना होवे एना ने ध्यान पुआ दिता है। खैर छोड़ो तुसी अगले सेगमेंट ते ध्यान डालो आ जाओ जवाब दे जांदे ने बाबा जी ज्यादा जिंग चिका करवाण दा शौक होवे ना ते देसी घ्यो भी खवाईदा ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਗ ਚਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਿੰਗ ਚਿਕਾ ਜਿੰਗ ਚਿਕਾ ਜਿੰਗ ਚਿਕਾ ਕਰੀ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਗ ਜਿੰਗ ਚਿਕਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੋ ਘੁੱਟ ਖੂਨ ਦੇ कड़ी मेरे मोकल नो मालूम लंघा जी चुड़ैल जी एक गल ते दस आखरी बार डेरे तेने की गलत हरकत की थी सी दस दियो थोड़ी जी लपेट लपूट के दसी निदा चुड़ैल जी हाँ एदी एक मुरीदनी अपने घर च बड़ी खुश सी साड़ी मुरीदनी होवे ते खुश हो मेरे दा कदी चक्कर नहीं ना ओदा लगा ओ जिते गोल्डन वाल सन काले करा ले सी ओ जिहड़ी अपने घर च खुश सी ओदे खामद कोलो इन्हे तलाक दवा के ओदे नाल शादी करन दी कोशिश कीती सी अच्छा आपने मुझे बताया नहीं कालू मलंग साहब कि कैसे आप लोगों ने काम बांट रखा है ये औरतों को डील करती है ये जो आपकी निदा चुड़ैल है नहीं जी ये निदा चुड़ैल जड़ी है पॉलिटिकल मामला तो वेखदी अच्छा है। हाँ जी और वो बाबा जी जड़े ने वो घरेलू मामला तो वेखदे अच्छा मतलब अगर सियासी मसाइल होते हैं तो ये लोग इसके पास आते हैं जी जनाब हनीफ अब्बासी साडे कोल कई वारी आया अच्छा के 5 लाख रुपया ले लो शेख रशीद दी विग ना लब्भे असीं कीती कई वारी विग गायब ठीठ है लाल मफरल सिर ते रख लैंदा ओए कालू मलंगा इना नु दस कि मेरा पनामा दे विच की करदार वे आए पनामा में इनका भी किरदार है जी हुकूमत ते इना प्रेशर जनाब पनामा दे ने सी जिन्ना इना दा सी अच्छा वो कैसे हां जी एक वजीर दे उत्ते बैठे रहे ये शो नहीं आसान बस इतना समझ लो कि रोकड़े का मामला है और ब्रेक पर जाना है तो मिलते हैं ब्रेक के बाद वेबसाइट हैक करा लो मेरी वाली भाई मेरे पास 2 लाख तो नहीं है लेकिन मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड का कड़ा है ये लेके ना मुझे वो जैम्पर दे दे जो आपने मियां शिवाज शरीफ को दिया था असली है ना वो एकदम असली है बारिश हो रही है झूठ ना बोली मैंने फोन है बड़ा जा गड़ा आके तेरे ते डिग नहीं हाथ करो ए ए
मियां साहब नूं मैं ही तो मशवरा दे के आया कि आइंदा प्राइम मिनिस्टर दा ऑफिस कोई गल मूंह तो नहीं करनी। जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का कहना है कि माजी में पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ मुजाहरे किए लेकिन इक्तदार में आते ही जालिम बन गए हैं। अरे सिराजुल हक साहब, पोले बादशाह है आप भी, मौके की नजाकत को समझा करें। इस वक्त पीडीएम की पांचों हकूमत में हैं और हमारी पांचों सेगमेंट में, तो आए फिर सेगमेंट देखते हैं। आलम तमा तशरीफ ला रहे हैं। पहली बारी इन्नी इज्जत हुई पर ना जिथे भी गए ना धक्के ही खाते ने। कौन हो तुम? आलम पना कनीज हूँ। चाची रफीक दा मुंडा है, अपने आप नू कनीज कनीज कहता है। तुम कौन हो? जी हम भी कनीज हैं। अच्छा जी सारे कनीज, आप भाई भी कनीज ने। चाचा बैरन भी कनीज है, मैं भी कनीज हाँ। तू अस तेन की पता नहीं बाग तेरे फुफड़ा सी जान नहीं की तमाशा बनाए नहीं। अच्छा वो अब्बा इन बांदर समझ रही है। की मसला है तेरा दसदी पई है हूं असी मैं सिर कलम करा देना है। पागल होइए बादशाह सुनना है तेरी दौड़ मारनी एक मेरी टॉक होंगे हूं जो जंग हो जाए किसी मुल्क की करेगा अजय हूं तुम पिछले ना ना हटे इतने जंग होनी जो मैं तुम दस। अच्छा लगता साड़ी सर्कस है। ईमान नाल सल्तनत मुगलिया सर्कस मुगलिया लग रही। काफी देर हो गई। अरे देख मैं बादशाह छोड़ दे और मत करो छोड़ दो छोड़ दो चल बादशाह चल। अब जी की है डिग पे हो? नहीं नहीं मैं रुकता ही हूं। बाद बा मुलाजा होशियार जी लगता मार खाने वाला आ गया। ओए उठ जा भाई ये कौन ढेर ला गया। बादशाह तो वेख लो खबी जेब च परौठा पाया। ठहर जा एक मिनट बादशाह वेख लो सज्जी च भी पाया। मैं चोर सोच लग गए बादशाह वेख लो खोते का पैर हों। गल सुन बादशाह सुने तू फटा बेच के आया मेरे पैसे तेरे प्यो ने दे रहे हैं दस पाकिस्तान भी क्या ग्रेट कंट्री है जहां पे सियासतदान गरीबों के लिए लड़ते लड़ते खरबपति बन चुके हैं जबकि गरीब आवे 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 के नारे लगा लगा कर कंगले होते जा रहे हाय हाय। अरे भाई इस कौम की किस्मत दा अंदाजा लावो। एंजेलिना जॉली सलाफ जदगान की मदद करने के लिए पाकिस्तान आई हुई है जबकि हमारे पाकिस्तानी फनकार नियाग्रा फॉल देखने के लिए गए हैं और हमारे हुक्मरान ओना दीते आउट गोइंग इनकमिंग नहीं मुकरियां। नहीं समझ में आई? मेरा मतलब है आनिया जानिया नहीं मुकरियां। हमारे सेगमेंट की भी आनिया जानिया देखें आप आ जाए फिर। राह च लभ
राजो अजकल यहो जहाँ लभन डे ने भी लभन वाले तो यहोजा चुन चुन के लभन डे ने शाह जी वैसे निगरान वजीर वाला इनू होना चाहिए ख्वाजा तू पागल हो गया ये नाल दे बड़ी मुश्किल पहले कढ़े ने तुसीं ते बड़ी मुश्किल कढ़े ने ना मैनूं लगता इन्होंने फिर गेम च आ जाना है अज इन्हां दे सिर ते वाल नहीं हुंदे उन्हां दा पता भी कोई नहीं लगदा बंद करो तुसीं अपनी सियासत तू दस वे मैं रात नूं कंध च टक्करां मारन वाले आ चार दिन तक मैं वेखन डी हूँ तू स्टेशन के मशकूक हल च फिरन डे तू कि इंजन का तेल तो नहीं पीता दो तीन बारी तेन मैं भी आवाजा दतिया ने तू मेरी गल ही नहीं सुनी की गल खैर है ना ना भाईजान बस च सीट मिलन डी है ना ट्रेन से सीट मिलन डी है तो ना मेरी जेब च पैसे ने मैं तिना दिनों तो इतने खजल खराब होने वा हूँ मैं दसो मैं की करा जो तो पैसे नहीं तो सीट तेन कद ना मिल जाएगी भाईजान ये ट्रांसपोर्ट वाले का कोई कसूर नहीं तुम्हें इसलिए नहीं पाया शकलों मशकूक लगन डे तेन ड्राइवर ने की बना ड्राइवर जो तेन लाइट देता तेरे सिर का लिशकार अखा च पैंता वह अन्ने वा गड्डी कढ़ के अगे लै जाता ए देखो भाईजान तीन दिन तो मैं अपने घर नहीं जा सकया ई तो भी नहीं जा सकया ए मेरी बेगम दी मैनू कॉल आ रही ने फोन कन दे नाल ना लाई माइक ओपन कर सानू भी जरा गंदियां गालां सुनन दे बेचारा किड्डा तरसिया गंदियां गालां सुनन तो शाह जी लगता है इन्हें कभी कौमी असेंबली का इजलास नहीं सुना हैलो किथे मर गया पुरानी मुड्डी दे मुंह वालिया तेरा बेड़ा गर्क हो जावे किथे रह गया केड़ी मां कोल बैठा होया मैं एक बारी मैनू दस दे सही तू हेलो मैं तेरी जान कढ़ लैनी है जिथे भी तू हैगा वे तेरू भी लंघ आई भी लंघी तू किथे मैं ए भी नंगण वाला ए केड़ा तेरा सारा बोलन डया वे ए केड़ी मां हसन डई कोल खलोती नी मां होएगी तू मैं ते मां हजे होई ही नहीं हाय मैं मर गई बारह बच्चे तू आंडे चो कटाए चंगा भला बंदा बीवी का फोन सुन के घुग्गू घोड़ा जिहा बन गया हुण इंज नीवा होया जिवें बैंच थल्ले चूहे लभण डिया लाहौर के मियां हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं डंग डॉक्टर्स मतलब यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाइस आउटडोर बंद लवाहिकीन बददुआएं दे रहे हैं और मरीज जाने यानी मरीज बेहाल और अद्वियात ले उड़ा जादूगर बेताल वाह 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 क्या लाइन बोली मैंने अरे भाई ये तो होगा क्योंकि इस मुल्क में सियासतदानों का जान बचाने से ज्यादा जमहूरियत बचाने का नारा बिकता है समझ आ गई मेरी बात और हमारा सेगमेंट दिखाने का नारा बिकता है तो आए फिर देखें पाकिस्तान दी खैर मंगया कर तेनू तो कोई डर खौफ ही नहीं रहिंदा आप इतना हंस क्यों रहे हैं क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की तमाम मुश्किलों का हल आ गया और वो ये कि हम पूरे पाकिस्तान और एक खोते को जेल में बंद करने लगे हाय हाय बेचारे खोते का की कसूर है क्यों मैं तेन कहा सी ना पाकिस्तानियों का किसी ने नहीं पूछना सब ने खोते ही पूछना एंटी टेंशन शो में एंटी टेंशन डोज जारी है यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद चौधरी परवेज इलाही साहब का कहना है कि तालीमी इदारों में मनुष्यात के खात्मे के लिए एंटी नारकोटिक्स थाने बनाए जाएंगे वाओ ग्रेट इनिशिएटिव वैसे जान की अमान पाऊं इमदाद का सामान पाऊं तो एक अर्ज करूं पहले वफाक और सूबे के दरमियान सैंडविच बनी पुलिस की हेल्प करें अरे भाई पुलिस ही ना हुई तो क्या थाने स्कूल के हेडमास्टर साहब चलाएंगे खैर जो भी चलाए हम तो अगला सेगमेंट चलाने लगे आ जाए हाल ओए तेरा दादा क्या बेकरें दई ओए एक बार दी तू सव्या तो पहले दसी कोई नहीं ओ पुत्रा को कम जिंदगी च नवा भी करना चाहिए चाचे दा काम करना लेला जाना ना बाण ओ
मेमणिया ਉਹ ਜੇ ਨਾਲ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੇ? ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੁਤਮੈਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਵੇ ਵਿਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਡੰਡ ਤੇ ਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਡੰਡ ਲੋ, ਮੈਂ ਨਸ ਕੇ ਮਸੀਤੋਂ ਫੱਟਾ ਲੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਭੈੜਿਆ ਬਦਰਾ ਪਿਆ ਬਦਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਏ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਾਲੇ ਕੋ ਚੁਕੂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਭੈੜਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸ਼ਾਸ਼ੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਰੀਜਨਲ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾਨਕੇ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਚਿੱਤਰਾ ਦੇ ਡਾਡਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਾਥ ਲੱਗਦੀ, ਬੜੀ ਸਾਥ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਦੌਰ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਪੀਐਸਐਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ, ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਾਦੀ ਗੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਦਾਦੀ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲਾਂ। ਵੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਈ ਵੇ ਵਿਕਿਆ। बहरी जहाज बनाने की सनत में हैरत अंगेज इनकलाब, पहला मेड इन बांग्लादेश शिप इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर दिया गया। क्यों फिर? देखा, ये था कायद अजम का पाकिस्तान। लगता है कायद अजम की फोटो हमारे पास आ गई है और ख्वाब कहीं और चले गए, है ना सोचने की बात। लिहाजा आप ज्यादा ना सोचे और अगला सेगमेंट देखें। ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਆ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਮੰਗਣੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਲਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲੱਗੋਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾੜੇ ਲਾੜੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਰਾਜਾ? ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ? ਰਾਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਿਆ। ਕੌਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਖੁਸਰਾ? ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਵਕਤ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਪੱਕਾ ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੂਣ ਪਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ ਚਾਚਾ ਨਾਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ। ਪੁੱਤਰ, ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚੌਧਰੀ, ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਲਿਆਣੀ? ਇਹ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਸੜ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਨਾਲੋ 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 ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਓਏ, ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਣ ਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਬਣ ਵਗੜਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਚੱਲ ਦੇ ਸਾਬਣ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਟੋ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੇ ਬੁੱਟੋ, ਇਹ
जे तुहानू सियासत तो फुरसत मिल गई है नाल सिर्फ मंडेला साहब मेरी इधर की कलम भी ठीक कर दियो काजी। हाँ जी हाँ जी। ये तुसी गुरीला कटिंग कर रहे हो? जिन्नी मैं मेहनत दे नाल तेरी कटिंग कर रहा ना मैं अल्लाह जानदा किसे दी नहीं करदा। ओ राजा ओए हां हां लाइट बंद हो गई अंदर हुकूमत के भी है ते ए हुन लाइट बंद हुंदी हुकूमत ते पानी हर गल हुकूमत ते ही थोड़ी हुकूमत आ लाइट किथे जल्दी कर जल्दी कर और चौधरी दे अंदर आवाज नहीं आई मरता नहीं गया हुकूमत केदी है साडी है जो पानी आऊगा ना नहीं हुण बिजली ते पानी कदों आएगा ए चौधरी थोड़े जान तो बाद भी दो साल लगने ते तां बिजली पानी आउणा ओ यार असी जाना कदों है चौधरी मेरे हिसाब नाल लाल कोई 6 महीने रहंदे आ तैनूं डेटा दा किवें पता नौम चौंसकी दिया संडिया ऐ जे साबण लाया ते इंग्लिश बोलण दे बड़ा रौला पाया सी नंदीपुर नंदीपुर हुण साबण लाई रख ओ कोई फोन ही कर दो मियां साहब नूं जल्ला अंदर बैठा है साहब फिक्र नहीं करनी मुंडा मेहनत ना बना रहा थोड़ा सिर इतने इन्ना टाइम क्यों ला रही धोन लानी तुसी कोई चंगा भला बंदा सी तुसी इहनू क्रिस गेल दा बहनोई बनाता है बनाना बहनोई सी बाण बांधरी गई है अच्छा जिन्नी देर इहनू बैठे होगी मैनूं लगदा है हमाम दा मालक है